मैं इस शख्सियत के बारे में दो लाइन कहना चाहूँगा कि फीकी है हर चुनरी, फीका हर बंदेज। फीकी है हर चुनरी, फीका हर बंदेज, जो रंग दे मेरी रूह को वही असली रंगरेज। ऐसे रंगरेज के लिए आज मैं नमन करता हूँ। मैं आज इतना शानदार कार्यक्रम, जानदार कार्यक्रम हुआ, आज स्टेशन पर मैं पहुँचा तो मुझे ये महाराज जी के दर्शन हुए और बड़ा आकर्षण लगा इनके व्यक्तित्व को देखकर। इनके भजनों में जो साध है, जो आत्मीयता है, जो दिलों में गहराई है, वो अपने आप में अनूठी है। आपका कार्यक्रम मार्वेलस, एंचेंटिंग, मेलोडियस, कैप्चरिंग, सूटेबल, यूनिक, वंडरफुल एंड सुवान। आपके यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद और वासुदा नगरी की ओर से आपका स्वागत, पुनः आप पधारे ये प्रार्थना। थैंक यू भाई साहब। और बहुत अच्छा भाई साहब ने बोला, बहुत सबका प्यार मिला और सच जानिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब ऐसे हमारी कोई प्रशंसा करता है, किसको नहीं अच्छा लगता होगा, सबको अच्छा लगता है, बहुत लोग प्यार करते हैं। पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे सही मायने में अच्छा नहीं लगता है। मैं अंदर से कुछ ऐसे महसूस करता हूँ, ये सब जो दिया है ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। जितने हार आपने मुझे दिए, जितनी तालियाँ मुझे आपने बजाई, ये उस गुरुदेव के लिए हैं जिसने मुझे ऐसा बनाया कि मैं आपके सन्मुख आके ऐसा कार्य कर पाया। ये दिल से, ना मैं इस काबिल हूँ, ना ये मेरी लाइन थी, ना ये मेरा कोई घराना था। वो मालिक कुछ जैसा चाहता था बस वैसा करते जा रहे हैं। तो मैं ये भजन आपके सन्मुख रखता हूँ कि इत्र से कपड़े महकाना कोई बड़ी बात नहीं साहब, इत्र से कपड़े महकाना कोई बड़ी बात नहीं साहब, जो उस प्रभु में लय हो जाते हैं, खुशबू तो उनके किरदार से आती है। हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, लाला जी हम सब हैं, बाबूजी हम सब हैं तेरे हवाले। हमें प्यार की जिंदगी देने वाले। ये ख्याल मुझे कहाँ से आया था, सबसे पहले जब मैंने ये कुछ गा रहे थे, मेरे पिताजी के बर्थडे सेलिब्रेशन था तो पिताजी ये गा रहे थे, मैंने बहुत ज़्यादा पुराने गाने नहीं सुने थे, उसमें ये मैंने सुना और मुझे सबसे पहला ख्याल मुझे लाला जी महाराज का आया। क्योंकि हमारा जो हार्टफुलनेस श्री रामचंद्र मिशन, उसकी जो ख़ास बात है उसे प्राणाहुति बोलते हैं। प्राणाहुति एक शक्ति है जिसे इंग्लिश में ट्रांसमिशन बोलते हैं, दिव्य शक्ति। ये वो शक्ति है जो राजा जनक जी के पास थी और बाद में विलुप्त हो गई और उसको रीजनरेट किया लाला जी महाराज ने। तो पहला ख्याल मुझे ये आया कि हमें प्यार की दोबारा से वो दिव्य प्यार जो दिया लाला जी महाराज ने दिया, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, मैं आपके सामने ये भजन रखता हूं। हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, लाला जी हम सब हैं तेरे हवाले। हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें
प्यारा जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा ये जान भी तुम्हारी ये दिल भी तुम्हारा ये जान भी तुम्हारी ये दिल भी तुम्हारा जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा ये जा भी तुम्हारी ये दिल भी तुम्हारा तुम ही से है रोशन तुम ही से है रोशन दिलों में उजाले हमें प्यार की जिंदगी देने वाले हमें प्यार की जिंदगी देने सारी रात भी सुनते रहेंगे तो ये भूख हमारी कम नहीं होगी ये प्यास कम नहीं होगी आपकी वाणी सीधे हमें ईश्वर से मुलाकात कराती है और कुछ कहने का मन नहीं करता बस ऐसा लगता है कि आंखें बंद करते बस आपके गीत सुनते रहें हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री सत्यम जी शर्मा इस कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं मैं उनको आमंत्रित करता हूँ औपचारिकता है इसलिए स्पंदन परिवार की ओर से आपका आभार लेकिन वास्तव में आभार तो परमात्मा का है बिल्कुल हम परमात्मा का ही आभार मानते हैं कुछ विचित्र सा हुआ आज कानों ने स्वाद लिया दिल ने सोचा दिमाग धड़का सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया आपके लिए तो बस एक दो ही लाइन है मेरे पास आप करते अगर एहतराम बुतां बुत कदे खुद खुदा खुदा करते
मैं भी दो चंद लाइनें सर को समर्पित करना चाहता हूँ कि मैं ना तुझ में ना तेरे रूप में गर्ज देखता हूँ, मैं तो अपने उस मुसग्गर की कलम देखता हूँ जिसने तुम्हें बनाया। मैं उस ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चरण जी को स्पंदन एकेडमी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं संस्था के संस्थापक श्री निर्मल जी शर्मा को आमंत्रित करता हूँ कि वे साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय चरण जी का सम्मान करें। ये चरण जी का हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रेमी है जो उन्हें यहाँ तक खींच कर लाया। मैं चाहूँगा कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इसी तरह आप वासुदा से प्रेम बनाए रखें क्योंकि मुलाकातें ज़रूरी हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अगर हमारे इस पौधे को वट वृक्ष की भांति विस्तृत करना है तो आपका ये प्रेम इसी तरह बना रहे। आज के पूरे कार्यक्रम में बहुत आनंद आया और इस कार्यक्रम ने वाकई हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे नगर गंज वासुदा की ओर से एक बार जोरदार तालियां हमारे चरण जी के लिए। और आशा करता हूं कि अपना अगला कार्यक्रम जरूर फिक्स करके जाए, हम पर आशीर्वाद बना कर जाए। हमारे इस कार्यक्रम के अंतिम आयाम को देते हुए आदरणीय निर्मल भाई जी को आमंत्रित करता हूं, वो आएँ और आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। दिल्ली से पधारे हुए परम आदरणीय श्री डिवोशनल आवाज़ के धनी श्री चरण जी का मैं मेरी तरफ से, स्पंदन परिवार की तरफ से, नवांकुर परिवार की तरफ से, रक्त सेवा समिति की तरफ से, डॉल्फिन परिवार की तरफ से और हार्टफुलनेस संस्था की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनके लिए एक जोरदार तालियां। मैं चरण जी के बारे में, मुझे मालूम है चरण जी की समय बहुत कम है लेकिन मैं एक मिनट ज़रूर लूँगा उनके बारे में बोलने के लिए। लगभग 2 वर्ष हो गए हैं चरण जी को जब पहली बार सुना, और वो दिन है कि आज का दिन है, ऐसा शायद ही विरले कोई दिन हो। अगर व्यस्तता हो तो बात दूसरी है, लेकिन रात को सोने के पहले उनका एक भजन तो ज़रूर चलता है। एक से ज़्यादा जितने भी हो जाएं, 5 हो जाएं, 10 हो जाएं, लेकिन सोने के पहले नींद तभी आती है जब चरण जी का भजन सुन लिया जाता है। मेरी वाइफ मेघा पहले, क्योंकि बेडरूम में वो व्यवस्था कर रखी है सोने के लिए, चरण जी का भजन सुनेंगे फिर सो जाएंगे। शुरू में वो बच्चों के कमरे में जाकर सो जाती थी, अब वो कहती हैं, धीरे धीरे उनको आदत लग चुकी है, वो कहती हैं कि अगर मैं व्यस्त रहता हूँ और भजन नहीं गाया है तो वो कहती हैं कि एक भजन हो जाए क्या, चरण जी का एक भजन हो जाए क्या। ऐसी जो है मुझे, मेरे पूरे परिवार को चरण जी आपके गानों की जो है विशेष जो डिवोशनल बात है। अभी हरि सिंह मामा जी पूर्व विधायक जी भी हैं और मेरे परम आदरणीय मामा जी भी हैं, वो भी कह रहे थे ऐसा लगा नहीं कि भजन सुन रहे, ऐसा लगा कि प्रवचन सुन रहे हैं। मैं चरण जी का बहुत विशेष रूप से आभारी हूँ। मैं एक बात बहुत विशेष रूप से एक बात और कहना चाहता हूँ कि चरण जी की फीस बहुत है, मेरी उनको बुलाने की औकात नहीं थी, लेकिन चरण जी ने जो मेरे ऊपर कृपा की है उस कृपा को मैं भूल नहीं सकता हूँ। इसके लिए मैं चरण जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम स्पंदन परिवार, नवांकुर परिवार, हार्टफुलनेस परिवार, डॉल्फिन परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं आपका यहाँ आने के लिए। गंज वासुदा के लोगों को अपनी आवाज़ से मंत्रमुग्ध करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चूँकि चरण जी हार्टफुलनेस संस्था से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि हार्टफुलनेस संस्था के कुछ कार्यकर्ता यहां पर हैं, वो लोग मंच पर आएं। आचार्य जी और हमारे माननीय अतिथिगण भी मंच पर आएं, एक फ़ोटो उनके साथ लें और फिर इस कार्यक्रम का समापन करें। आइए मामा जी प्लीज़, कांति भाई जी प्लीज़, आचार्य जी, भार्गव सर प्लीज़, आइए सर, आइए आइए भाई साहब, कपिल भाई साहब, स्वदेश भाई साहब आइए प्लीज। हम सब हैं।